हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमएस नॉलेज। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि डीडीए ने विभिन्न पोस्टों पर भर्तियां निकाली हैं। इसका मैंने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना दी। अब इसका जो है 1 तारीख से फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं। इसका जो ऑनलाइन लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया है और इसका जो फुल्ली नोटिफिकेशन भी दे दिया गया है। फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसमें आपको कौन कौन से फॉर्म को फिल कर सकता है, किस किस प्रकार की पोस्टें हैं इसमें और क्या इसका क्राइटेरिया है, मैं सारा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसकी जो तिथि है वो 1 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग होने स्टार्ट हो गए हैं। लगभग कुछ आप लोगों ने हो सकता है भर भी लिए कुछ ना, जिन्होंने नहीं भरे वो इस वीडियो को देख कर उसके बाद अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था पहले, तो इसमें जो विभिन्न पोस्टों पर जो भर्तियां निकाली हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, डीडीए ने 1 अप्रैल इसकी जो फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 अप्रैल थी, 10 बजे से स्टार्ट हुआ था। और जिसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म की वो 30 अप्रैल रहेगी, शाम 6 बजे तक। आप शाम 6 बजे के बाद इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ऐसा भी होता है कभी कभी आप लास्ट डेट के चक्कर में रहते हैं कि रात 12 बजे तक भर सकते हैं। इन्होंने साफ टाइमिंग दिया है 6 बजे के बाद लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके बाद इसकी जो फीस है वो उसके लिए आप 4 मई तक उसको फिल कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 30 अप्रैल है और जो फीस सबमिट कर सकते हैं वो 4 मई तक, आप शाम 6 बजे तक आराम से फीस इसकी सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसमें आपको शॉर्ट में एक जो पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं बताया गया है, मैं वो आपके लिए बता रहा हूँ। जो पोस्ट आप इसमें मुख्य जो पोस्ट हैं उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन करने वाला हूँ। पहली है इसमें डिप्टी डायरेक्टर सिस्टम की लेवल ग्रुप ए की पोस्ट है और इसमें जो एज का जो प्रावधान है कम से कम मतलब कि 40 वर्ष से अधिक ना हो और छूट जो रहेगी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी रहेगी। इसकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो पीएचडी कंप्यूटर साइंस में या एमटेक या बीटेक या एमसीए 60% अंक उसका रखा। और इसमें जो केवल 2 ही पोस्ट है, इस पोस्ट की जो है इसमें केवल 2 ही भर्तियाँ हैं, वो जनरल कैटेगरी की। जनरल के मीन्स इसमें कोई भी भर सकता है जिसके पास एमटेक है। दूसरी पोस्ट है इसकी डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग, इसमें भी इन्होंने यही बैचलर डिग्री प्लानिंग एग्रीकल्चर एंड सिविल म्यूनसिपल में ही मांगी। इसकी भी अधिकतम है जो 40 वर्ष है। इसमें 5 पोस्टें दी गई हैं, 4 पोस्टें जो जनरल के लिए हैं और 1 पोस्ट है ओबीसी के लिए। उसके बाद इसमें ये 3 है असिस्टेंट डायरेक्टर की, इसमें जो अधिकतम आयु जो है वो 35 वर्ष है। इसकी जो असेंशियल क्वालिफिकेशन होगी उसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर से, सेम एज अबाव बिल्कुल। तो ये तो नॉर्मल पोस्टें हैं इसमें, इनके लिए एक विशेष डिग्री दी गई है। इस तरीके के पोस्टें जो विद्यार्थी इन में इन्होंने कर रखा है इस तरीके का सिलेबस या कोर्स इन्होंने कर रखा डिप्लोमा डिग्री है तो वो इन्हें फिल कर सकते हैं। इसकी जो 3 मुख्य पोस्टें हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा इस समय भरे जाने वाली पोस्टें हैं। फिलहाल आप अगर आप इन ये बैचलर डिग्री प्लानिंग या एग्रीकल्चर में रखते हैं, आपके पास बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर की है तो उसके लिए भी अच्छा सुनहरा अवसर है। इसमें कई पोस्टें हैं जैसे कि एसओ की हॉर्टिकल्चर में, इसमें 48 पोस्टें हैं जनरल कैटेगरी के लिए। इस तरीके से आगे भी और इसमें जो है आर्किटेक्चर की भी है, आर्किटेक्चर इसमें डिग्री ऑफ आर्किटेक्चर चाहिए और सर्वायर की है। अब जो आप पोस्ट मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ जो इंटर और हाई स्कूल हैं, मतलब जो इंटर पास हैं, इंटर पास के लिए इसमें जो पोस्टें दी गई हैं जिनके पास ये कॉमन सी डिग्री है जैसे ग्रेजुएशन एनी उसमें कर रखी है उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में क्या है तो उनके लिए पोस्टें हैं। ये जो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट दिल्ली डिपार्टमेंट अथॉरिटी की जो है यही वाली है, एक तो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। आप ये पोस्ट अच्छे से भर सकते हैं जिसने भी इंटर पास किया है। इसमें सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट चाहिए अर्थात 12th पास होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष कोई भी आपके पास डिग्री हो जो 12th के समकक्ष हो। इसमें स्किल टेस्ट भी होगा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। स्किल टेस्ट मतलब आपको स्टेनोग्राफर इसमें टाइपिंग करनी पड़ेगी, स्टेनो करनी पड़ेगी। इसकी डिक्टेशन का जो दिया है 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट देने होंगे और इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन है ओनली कंप्यूटर पर होगा। उसमें 50 मिनट इंग्लिश में और 65 मिनट हिंदी में बहुत है, ये आपको ये दोनों ही करने पड़ेंगे। प्रेफरेंस टू बी गिवन सच पर्सन हु हैज रिक्वायर्ड टू डिप्लोमा ऑफिसर मैनेजमेंट, अगर किसी ने ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर रखी है तो उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। ये तब के लिए होता है जैसे 2 पोस्ट हैं, किसी पोस्ट पर अगर 2 विद्यार्थियों के या 2 से अधिक विद्यार्थियों के नंबर इक्वल बैठते हैं कट ऑफ में तो वे उन्हें प्रेफरेंस देंगे जिनके पास डिप्लोमा ऑफ इन ऑफिस मैनेजमेंट होगा।
यदि आपके नंबर कट ऑफ से बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो आपको प्रेफरेंस की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतः से जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आपका अगर किसी बच्चे के बराबर बैठते हैं कट ऑफ के आसपास तो वहाँ प्रेफरेंस उस बच्चे को दी जाएगी, उस विद्यार्थी को दी जाएगी जिसने ऑफिस मैनेजमेंट में कोर्स किया हुआ या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस उसने की हुई है। सेकेंड इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है पटवारी की, जो दिल्ली में पटवारी होगी। ये ग्रुप सी की है, इसमें लेवल थ्री, इसमें जो है एज मिनिमम 21 और मैक्सिमम 27 होनी चाहिए। इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपने किसी भी जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखा हो, चाहे बीए बीएससी बीए जो भी आपने कर रखा हो, ये इसमें चलेगा। इसमें 44 पोस्ट है टोटल, और इसमें जो है उन्हें मान्यता ज़्यादा दी जाएगी, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कंप्यूटर में अच्छा है, यानी कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, वर्किंग ऑफ नॉलेज ऑफ यानी कि हिंदी और उर्दू इनमें से किसी भाषा का ज्ञान भी होना आवश्यक है। और ये इसके दो प्रेफरेंस हैं, यानी कि ये प्रेफरेंस दी जाएंगी इन्हें, अगर आप कंप्यूटर में अभी निपुण हैं तो ये आपके लिए पोस्ट बहुत अच्छी है, आप इसमें भर सकते हैं। वैसे इसमें कंप्यूटर एसेंशियल नहीं है, एसेंशियल जो है केवल ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएशन भी अगर आपके पास है तो कंप्यूटर नॉलेज तो आप स्वतः ही ले लेंगे। तो ये उसके बाद इसकी तो थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है, वो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। ये ग्रुप सी की है, लेवल 2 है इसका, अर्थात ये पटवारी से लेवल एक लेवल नीचे है, अर्थात इसकी जो आपकी सैलरी होगी वो पटवारी से कम होगी। इसकी जो आयु बताई गई है वो 18 से 27 वर्ष है, और अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अनुसार जो कैटेगरी वाइज इनमें छूट भी मिलती है, ओबीसी को 3 वर्ष की मिलती है, एससी को 5 वर्ष की मिलती है अधिकतम आयु में, न्यूनतम 18 ही रहेगी, 18 से कम वाले से नहीं बढ़ सकते। और 12 जो 12वीं की क्लास है वो आप अगर कक्षा 12 पास हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें दो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट तो है 12th पास होना चाहिए या आप इसकी इंप्लीमेंट कोई आपके पास सर्टिफिकेट हो, जो आप जैसे कि ITI कर लेते हैं हाई स्कूल के बाद कुछ बच्चे 2-3 साल का, तो वो भी इसमें मान्य चलेगा 12th के बाद। और इसमें जो है पॉलिटेक्निक होता है, जैसे पॉलिटेक्निक कुछ बच्चे हाई स्कूल के बाद 3 साल का पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो वो भी इस पोस्ट को भर सकते हैं, क्योंकि वो 12th के समकक्ष आता है, इक्विवेलेंट आता है। और उसके बाद इसमें जो दूसरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यह है टाइपिंग स्पीड 35 पर मिनट होनी चाहिए, अर्थात 35 शब्द पर मिनट आप लिखने हैं इंग्लिश में, एंड हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, ये और नहीं है एंड है, अर्थात आपको दोनों ही टाइपिंग आपकी तैयार होनी चाहिए, दोनों ही टाइपिंग आपको यहाँ करनी होगी, 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट, ये आपको इसमें वहाँ पर देना होगा। और इसमें सबसे अधिक पोस्ट भी इसी वाली पोस्ट में है, वैकेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है ये, इसमें 292 पोस्ट टोटल है, जनरल के एक्टिव है, ओबीसी के 19 है, और बाकी इस तरीके से ये PWD के लिए भी इसमें दी गई है। आप केवल फोकस करिए अपने जो इसके आप 40 को भर लीजिए और उसके बाद अपनी इसकी तैयारी कर दीजिए, तो पोस्टें आपके लिए काफ़ी हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप ये पोस्ट बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, आप आराम से इसमें आराम से नंबर अपना ला सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है इसकी माली की पोस्ट भी जो है हाई स्कूल वालों के लिए है, जो हाई स्कूल किए हुए हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन अवसर है, अगर वो हाई स्कूल के बाद ये पोस्ट भरना चाहें तो भर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम आयु जो है 18 वर्ष है, मैक्सिमम 25 वर्ष है, इसका आप इसके लिए 100 भर्ती यहाँ दी गई हैं, आप इसमें आराम से फिल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सीनियर लॉ ऑफिसर की भी है, अगर किसी ने लॉ में डिग्री की हुई है या रेगुलर प्रैक्टिस की हुई है तो वो लोग के लिए फॉर्म भर सकता है। लीगल असिस्टेंट है, ये केवल DDA एम्प्लॉय के लिए है, और ये भी DDA एम्प्लॉय के लिए पोस्ट दी गई है। और इसमें जो इसमें कंडीशन दी गई है 12th वाले, ये जो पोस्ट है सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट को 12th में, इसमें केवल 12th वाले फिल कर सकते हैं, 12th वाले भी कम से कम 75% मार्क्स उनके हों, जिसमें विद्यार्थियों के 75% मार्क्स हैं और वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। परंतु यदि आप इसमें 75 से कम हैं तो आप इसे अप्लाई करने योग्य नहीं हैं। अगर आपने CBSE या ICSE बोर्ड से अगर 12th किया है तो आपको 5% की यहाँ छूट मिलेगी, और 5% यानी कि आप फिर 70% में भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर CBSE और ICSE बोर्ड से हैं तो। स्टेट लेवल के लिए कोई छूट यहाँ नहीं दी गई है। यदि इनका मानना है जैसे 2,292 भर्ती हैं, यदि उनका 10 गुना
इनका 100 गुना अगर विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं या 100 गुने से कम भरते हैं तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएंगे, डायरेक्ट टाइपिंग कराने की इनकी मंशा होगी। यदि 100 टाइम से अधिक अगर फॉर्म फिल होते हैं ना, एप्लीकेशन रिसीव इज मोर देन 100 टाइम्स नोटिफाइड वैकेंसी, यानी कि जितनी वैकेंसी हैं उनसे अगर 100 गुना फॉर्म अगर इन्हें प्राप्त होते हैं तो फिर ये एग्जामिनेशन कराएंगे। और इसमें क्या है, SC ST के लिए परसेंटेज थोड़ी छूट दी गई है, अगर SC ST का कैंडिडेट है तो 65 मार्क्स अनिवार्य हैं मिनिमम, और OBC के कैंडिडेट है तो अगर 70% अनिवार्य हैं 12th में। जो 70 से नीचे हैं जनरल वाले, जिन्होंने UP बोर्ड से या अदर बोर्ड से किया है केवल स्टेट लेवल से, तो वो इससे नहीं भर सकते। आपका अगर 75 से ऊपर मार्क्स हैं तो आप भर सकते हैं। इसी तरीके से इन्होंने ये माली की पोस्ट के लिए, माली की पोस्ट आप हाई स्कूल बाद कोई भर सकता है, परंतु आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ईयर्स या मंथ में, यानी कि आपको 1 साल या उससे अधिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए माली या गार्डनर कि आपने कहीं माली के रूप में जॉब करी है। ओनली एक्सपीरियंस एज माली गार्डनर, जो रेगुलर एक्सपीरियंस है उन्हें ये मान्यता देंगे, उसका प्रेफरेंस उन्हें ही मिलेगी। तो जो भी स्टेट लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर या पब्लिक सेक्टर पर या किसी भी कहीं भी आपने अगर ये वर्क किया है तो आपको उनसे एक्सपीरियंस लेटर बनवाना होगा और यहाँ सबमिट करना होगा, तो ही आप माली की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जो फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले हैं, PWD वाले, उनके लिए कुछ और विशेष इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। मैं जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते भी इसका जो है संपूर्ण नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। मैं आप इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, तो इसलिए जो ज़रूरी है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो इसमें जो कुछ फिजिकल के लिए मेजरमेंट दिए गए आप ये स्वतः ही पढ़ लेना, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए। फिलहाल आपको फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी आपको पास होनी चाहिए, उसके बाद ये फिजिकल वगैरह तो बहुत बात की बात है, तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा इसमें से। हाँ, मैं इसका नोटिफिकेशन डाल दूँ। आप देखिए इसमें जो है लास्ट डेट बताई दी है मैंने आपको, 30 अप्रैल है। यदि आपके मन में कोई शंका है या किसी तरीके की आपकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमें भी हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन आप बता सकते हैं, मैं खुद जानकारी दूंगा। यदि आप डायरेक्ट DDA की वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो DDExam.helpdesk2020@gmail.com पर जाकर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी दिया है, आप यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशन दी है नेशनलिटी के लिए, वो कैंडिडेट अपना इंडिया का, नेपाल का, भूटान का कैंडिडेट भर सकता है, कोई रेफ्यूजी अगर तिब्बत का वो भी से भर सकता है अगर 1962 से पहले यहाँ भारत में आ चुका है तो। और ये जो कंट्रियाँ दी गई हैं, इन कंट्रियों में अगर कोई भारत का पर्सन है वहाँ रहता है और नागरिकता भारत की है रहना वहाँ है तो भी भर सकता है। एज के लिए मैंने आपको बताया था, जो SC ST है उसे 5 ईयर की अधिकतम जो आयु है उसमें 5 साल की छूट है, और OBC के लिए 3 साल की छूट है अधिकतम आयु। जो DWD वाले हैं, पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज वाले, उनके लिए अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट है। अगर कोई SC ST वाला डिसेबिलिटीज है तो उसे 15 साल की आएगी, और OBC वाला कोई डिसेबिलिटीज है तो उसे 13 साल की आएगी। इसी प्रकार से और भी कंडीशन दी गई है, ये आप देख सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्म भरने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो जो है ₹500 रखी गई है फॉर ऑल कैटेगरीज, सभी के लिए इसमें केवल ₹500 देने होंगे, चाहे इसमें कोई भी हो, सभी कैटेगरी के लिए इसमें ₹500 फीस लगेगी। यदि कोई महिला SC ST वर्ग से बिलोंग करती है, PWD से बिलोंग करती है तो उन्हें फीस की यहाँ छूट रहेगी, अन्यथा अभी सभी को यहाँ पर फीस जमा करनी होगी। एप्लीकेशन जो आप ऑनलाइन भर सकते हैं, फीस भी आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं। दिल्ली NCR के पास में आपको सेंटर मिलेंगे एग्जामिनेशन के, वहाँ पर आप ये अपनी सुविधा के अनुसार जो सेंटर वहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर मैं बता सकता हूँ, तो सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होगा, एक एग्ज़ाम के बाद आपको इसमें जो स्किल है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे कि स्टेनोग्राफर है तो स्टेनोग्राफर में आपको इसमें पहले एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम में जो आपके लिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस जो जिसे सामान्य ज्ञान बोल देते हैं तो उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे आपके 50 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रिहेंशन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। जो सिलेबस है वो सेम SSC की तरह है, बस क्वेश्चन में की संख्या में परिवर्तन है, जो इंग्लिश के है वो 100 क्वेश्चन है और उनके 50-50 क्वेश्चन है, ये आपका 200 नंबर हो जाएंगे और 200 ही क्वेश्चन हो जाएंगे। ये टेस्ट होगा आपका, इसका टाइम जो 2 घंटे का दिया गया है, उसके बाद इसमें आप ये अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, कट ऑफ प्राप्त कर लेते हैं तो आपको फिर इसमें टाइपिंग करनी होगी। और
इसके लिए आपको एक नोट दिया गया है, जो टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी में, हिंदी का इंग्लिश का तो वो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में लगा आपको, हाँ सेम इंग्लिश के तो फॉन्ट की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो हिंदी के जो फॉन्ट की भी बहुत दिक्कत होती है, बच्चे कहते हैं कि सर कौन से फॉन्ट पर टाइपिंग होगी, तो इसके लिए सबसे उन्होंने शुरू में नोटिस दिया है कि मंगल फॉन्ट पर होगी, और मंगल के जो हिंदी का रेमेंटिंग गेल कीबोर्ड है गेल पर, उस पर आपको इसे तैयारी करनी पड़ेगी। अर्थात एक हिंदी का होता है कुर्ति देव, उस पर भी नहीं करनी, और जो जो आपका हिंदी का एक देवनागरी होता है यूनिकोड, उस पर भी नहीं होने की। ये रेमेंटिंग गेल पर मंगल का रेमेंटिंग गेल सॉफ्टवेयर आता है, आप वहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं। पटवारी के लिए जो है इसके दो स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे। पहला उसका प्री होगा, प्री में जो जनरल अवेयरनेस, और इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। तो ये तो 50 क्वेश्चन हो गए आपके, ये सामान्य ज्ञान के, और इसमें मैथ और रीजनिंग एक साथ है, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी और हिंदी इंग्लिश, हिंदी भी इसमें था। आपको इसमें 120 क्वेश्चन मिलेंगे, 120 मार्क, दो घंटे की अवधि की होगी, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें पूछ जाएगी। दोस्तों मैं कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो समय डाल रहा हूँ, आप हमारे चैनल पर कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, और समय समय पर मैं करंट अफेयर और विभिन्न प्रकार की वीडियो में अपलोड करते रहते हैं। दूसरे एग्जाम इसका जो होगा सेकेंड लेवल का, वो जनरल अवेयरनेस का होगा, स्पेशल एम्फेसिस ऑन दिल्ली, इसमें दिल्ली के बारे में कुछ अधिक जानकारी आपसे ली जा सकती है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी और अर्थमेटिक सेम एज अबाउट, और इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन, हिंदी और उर्दू में से एक लैंग्वेज आपको चुननी होगी, उसमें आप अपना इसका भी आपका भाषाई ज्ञान ज्ञात किया जा सकता है, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होगी। तो इसमें ये 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और पहला जो फर्स्ट पेपर होगा वो 120 क्वेश्चन 120 मार्क का होगा, दोनों में दो दो घंटे का टाइम आपको मिलेगा। इसी तरीके से जो और हैं इसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, उसी का भी इसी तरीके से इसमें 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स होंगे। सेकेंड लेवल पे इसमें जो एग्ज़ाम नहीं है वो केवल कंप्यूटर पर टाइपिंग है CPT, आपको यहाँ कंप्यूटर फंडामेंटल सेक्शन ऑफ, इसमें जो है आपसे एक क्वेश्चन सॉरी एग्ज़ाम ही होगा, इसमें आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे, ओनली उन कंप्यूटर की प्रोफेंसी यानी कि आपको कंप्यूटर के बारे में कितना पता है ये जानने का इसमें प्रयास करा जाएगा। और ये जो होगा इसमें जो पार्ट वन में होंगे वो कंप्यूटर का फंडामेंटल सेक्शन होगा, पार्ट टू में होगा आपका कीबोर्ड शॉर्टकट कीज इंटरनेट वगैरह, फिर MS वर्ड होगा, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, मैं आप मेरे चैनल में CCC नोट करके सेट करके एक प्लेलिस्ट है, मैंने वहाँ सारी कंप्यूटर की वीडियो डाल रखी है, जैसे कि MS वर्ड की मैंने अभी फिलहाल में दो वीडियो डाली है, MS एक्सेल की डालने वाला हूँ, और MS फंडामेंटल के मैंने तैयार कर रखा है कंप्यूटर फंडामेंटल। तो कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैं समय समय पर डालता रहता हूँ, और जितने भी सामान्य ज्ञान बढ़ा रहे, तो आप इस वाले सेक्शन की पहले आप उसकी तैयारी कर लीजिए, इस सेक्शन की तैयारी करने के लिए भी आप हमारी समय वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद इसका सेकेंड स्टेज जो होगा तो वो आपका इसमें टाइपिंग का होगा, थर्ड स्टेज में अगर आप सेकेंड स्टेज क्वालिफाई कर लेते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, अर्थात कट ऑफ इसकी नहीं लगेगी कंप्यूटर वाले की, कट ऑफ केवल 120 मार्क्स में से लगेगी। कट ऑफ के बाद आपको क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना होगा, क्वालिफाई करने के बाद आप थर्ड स्टेज में पहुंचेंगे, वहाँ आपको टाइपिंग करनी, फिर उसके बाद ये आपकी फाइनल कट ऑफ लग जाएगी। माली के लिए इसमें भी एक क्वेश्चन पेपर हो सकता है, अगर इसमें दो घंटे का होगा 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, इसका जो पेपर पैटर्न थोड़ा ईजी होगा, पैटर्न भी सेम वही है, इंग्लिश लैंग्वेज में इसमें क्वेश्चन किए जाएंगे। तो जो है हाई स्कूल लेवल तक की आप इंग्लिश रीजनिंग मैथ और जो सामान्य ज्ञान है वो तैयारी करते उसकी चले, इसी प्रकार के और पोस्ट के लिए भी उन्हें यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, सेम ऐसे ही है, आप देख सकते हैं। तो कैंडिडेट मैं अधिकतर इसकी जानकारी आपको बता ही चुका हूँ, अब इसमें जो है आप जो भी यदि कोई भी और जानकारी आप लेना चाहते हैं, अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं कमेंट में, मैं बता देता हूँ वैसे। और इसमें विशेष जानकारी नहीं है, फॉर्म फिल करने की जानकारी दी गई है इसमें कि कौन किस तरह की स्टेप बाय स्टेप आपको फोटो कैसे करना है, कैपिटल लेटर में भरने हैं सारे, और फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, ये फॉर्म फिल करने की अधिकतम जानकारी दी गई। आप अगर फॉर्म स्वतः फिल करते हैं तो इसे एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लें नीचे से, और उसके बाद फिल कर लें। आपको कुछ से फॉर्म से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, और इसका सिलेबस इसमें दिया गया है, ये पूरी PDF मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, फ्रेंड्स आप हमारे चैनल MS नॉलेज हब को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे चैनल पर भिन्न विभिन्न प्रकार की जो वीडियो हैं वो हम समय समय पर डालते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
मेरा एजुकेशन चैनल है तो मैं एजुकेशन संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल।